तो दोस्तों ये है Realme का Narzo 30 ब्लू कलर वाला। आप देख सकते हैं किस तरह आपको ये देखने को मिलता है। थोड़ा सा फिंगरप्रिंट ज़्यादा मैग्नेट वाला है पीछे का, लेकिन बॉक्स के अंदर आपको बैक कवर भी मिल जाता है, तो उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो इसका बहुत सारे वीडियो चैनल के ऊपर आ चुका है, गेमिंग रिव्यू वगैरह आ चुका है, ओटी टेस्ट का भी आ चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, और ऊपर में भी आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो सिम है मेरे पास, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आज हम इसका बात करेंगे डुअल 4G वोल्टी टेस्ट के बारे में, साथ साथ वीओ वाईफाई का टेस्ट के बारे में बात करेंगे, और साथ साथ बहुत सारे व्यूअर जो रिक्वेस्ट करते हैं नेटिव वीडियो कॉल का ऑप्शन, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ, बहुत सारे व्यूअर्स को पता होता है इस सब की चीज़ के बारे में, तो वो ये वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। और जिनको जानना है कि यहाँ पे वीओ वाईफाई का सपोर्ट है कि नहीं, नेटिव वीडियो कॉल का सपोर्ट है कि नहीं, डुअल 4G वोल्टी कैसे काम करते हैं, सबके बारे में जानना है तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो जल्दी से यहाँ पे बारी बारी करके बता दूंगा। तो पहले हम यहाँ पे इसको सिम ट्रे को निकालते हैं, और एक जियो और एयरटेल जो दोनों सिम है उनको इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे क्या कुछ है। तो यहाँ पे ये फोकस में फोकस हो गया। तो यहाँ पे इसको सिंपली पुश करना है, और जैसे ही हम पुश करेंगे, और थोड़ा ज़्यादा पुश करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ज़्यादा पुश करते हैं, और ये देखिए थोड़ा ज़्यादा प्रेस करने को पड़ता है। तो प्रेस करने के बाद ये देखिए यहाँ पे ये सिम ट्रे निकल चुका है, और सिम ट्रे आप देख सकते हैं किस तरह आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दो सिम साथ साथ माइक्रो एसडी कार्ड भी लगा सकते हैं, तो ये हाइब्रिड वाला स्लॉट नहीं है, जो कि अच्छी बात है, बजट रेट में ये देना चाहिए। तो दो सिम और साथ साथ यहाँ पे आप माइक्रो एसडी कार्ड भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैं सेट कर दिया हूँ। अब यहाँ पे जेंटली पुश करना है आपको, और यहाँ पे ये देखिए पुश हो गया है। तो आप पुश कर दिया हूँ, अब जब नेटवर्क आता है आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का नेटवर्क आ चुका है, बहुत ही जल्दी आ गया, टाइम ज़्यादा नहीं लिया, और यहाँ पे मैसेज भी आने लगे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि दोनों का नेटवर्क आ चुका है, और साथ साथ दोनों में वोल्टी 1 और 2 दिखा रहा है। तो दोनों एक साथ वोल्टी सपोर्ट कर रहे हैं, दिक्कत कुछ भी नहीं होगा कॉल आने में, यानी कि एक में नेट ऑन है और दूसरे में आप आराम से कॉल रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सेटिंग में दिखाता हूँ, और एक बार नेट ऑन करके कॉल रिसीव करना चीज़ भी आपको दिखा दूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो जल्दी से यहाँ पे मैं जाता हूँ सेटिंग के अंदर, और आपको कनेक्टिविटी सेटिंग दिखा देता हूँ क्या कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि ये वाला है सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा नेटवर्क, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिम 1 सिम 2 यहीं पर दिखा रहा है, मोबाइल डाटा ऑन है, और इसको हमेशा ऑन कर देना बहुत ज़रूरी होता है। यूज यहाँ पे देखिए, यूज इंटरनेट ड्यूरिंग कॉल ऑन सेकेंडरी डाटा सिम, तो इसको हमेशा ऑन कर देना। तो मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, और चाहे तो कॉलिंग को ऑलवेज रख सकते थे, या फिर आप पर्टिकुलर किसी सिम से हमेशा कॉल करते हैं तो उसको भी सेट कर सकते हैं। मोबाइल डाटा यहाँ पे सिम 1 पे ऑन है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिम 1 पे ये ऑन है, और यहाँ पे सिम 1 सिम 2 दिखा रहा है, जो कि सिम 1 है ये है जियो वाला, और जो सिम 2 है वो है एयरटेल वाला। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद और क्या कुछ है, तो उसके बाद आप कॉल सेटिंग में भी यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे बस दिखा दिया सिम 1 में, यानी कि जियो में यहाँ पे नेट ऑन है, तो हम एयरटेल को कॉल करके देखते हैं यहाँ पे रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसके बाद आपको वीओ वाईफाई का भी सपोर्ट दिखा दूंगा। तो यहाँ पे कुछ सर्च करके, जैसे कि उस टाइम इंस्टॉल करने के लिए बैटल ग्राउंड रॉयल वो मैं सर्च किया था, तो वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे टैग पॉइंट मार के देखते हैं काम करता है कि नहीं, नेट काम कर रहा है कि नहीं, वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट परफेक्टली काम कर रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि ये जियो पे नेट रन कर रहा है, तो एयरटेल के कॉल करके देख लेता हूँ कि यहाँ पे एयरटेल वाला कॉल रिसीव हो रहा है कि नहीं, वो भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यानी कि सिम 1 पे नेट ऑन है, और सिम 2 में आपको रिसीव करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाएगा कि दोनों में ये सेम काम हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल वाया सिम 2, और बहुत ही अच्छी तरह से, जबकि नेट ऑन है उसमें, लेकिन इस टाइम में नेट आप यूज नहीं कर सकते, ये बहुत सारे व्यूअर्स पूछते रहते हैं, तो उसके बारे में बता देता हूँ मैं। तो जैसे कि बताया कि यहाँ पे नेट कॉल रिसीव हो रहा है, जबकि सिम 1 में नेट चल रहा था, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स जो पूछते हैं उसका डाउट क्लियर कर देता हूँ। जो कि पूछते रहते कि अगर हम इसमें नेट ऑन है, और मान लीजिए सेकेंडरी सिम पे हम कॉल रिसीव किए, बात करें उस टाइम नेट यूज क्यों नहीं कर पा रहे, तो ऐसा होता है अगर आप जिस सिम में नेट ऑन है उस सिम में अगर कॉल रिसीव करते हैं,
तो उसी सिम में आप डाटा अगर ऑन होगा तो आप आराम से यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेकेंडरी सिम में नेट ऑन है लेकिन रिसीव कर रहे हैं सिम वन में, तो उस टाइम में कॉल जब आप बात कर रहे होंगे उस टाइम नेट काम नहीं करता है। ये सभी फोन में होता है और ये बहुत सारे व्यूअर्स का भी डाउट रहता है, तो मैं यहाँ पे बता दिया। अब जल्दी से वाईफाई को ऑन करके आपको वीओ वाईफाई का भी सपोर्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ और उसके बाद आखिर में आप नेटिव वीडियो कॉल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं वाईफाई को ऑन कर चुका हूँ, अब देखते हैं ये ऑटोमेटिक चेंज होता है कि नहीं। उसके बाद मैं आपको सेटिंग में भी दिखा दूंगा वीओ वाईफाई का ऑप्शन कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाईफाई के पास जो कॉल बटन है वो वीओ अल्टी वाला था, अब लेकिन वो वहाँ पर वाईफाई का सिंबल आ रहा है, तो ये वीओ वाईफाई में ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। तो यहाँ पे वीओ वाईफाई का सपोर्ट है। अगर मान लीजिए ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिया गया, अगर नहीं होता है तो कहाँ पे आप कर सकते हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे सिंपली आपको जाना है और यहाँ पे सिम कार्ड मोबाइल डाटा में जाना है, उसके बाद सिम वन में जाना है और यहाँ पे जियो कैरियर दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं वाईफाई कॉलिंग ऑन है, अगर ये ऑफ होगा तो इसको ऑन कर देना, और उसके बाद अगर आपका राउटर ऑन कर देते हैं या फिर वाईफाई ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे आपको वीओ वाईफाई दिखाई देगा। ये सेम चीज आपको सिम वन सिम टू में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे एयरटेल कैरियर है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी वाईफाई कॉलिंग भी ऑन है, वोल्टी भी ऑन है, तो ये सब ऑन है, तो इसका फायदा भी आप उठा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए वाईफाई कॉलिंग ऑन है, इसको अगर ऑफ होगा तो ऑन कर देना। तो इस तरह आप वीओ वाईफाई का भी फायदा उठा सकते हैं। और जैसे कि दिखा दिया कि ऑटोमेटिक ऑन था बाय डिफॉल्ट, इसलिए यहाँ पे वीओ वाईफाई का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अब आखिर में हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको नेटिव वीडियो कॉल का सपोर्ट है कि नहीं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं कॉल करता हूँ और रिसीव करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे वीडियो कॉल का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसमें हम दो ट्राई करेंगे बाकी फोन में जैसे करते हैं। पहले तो सेम नेटवर्क कॉल करके देखेंगे, यानी कि जियो टू जियो कॉल करके देखेंगे कि दिखा रहा है कि नहीं, उसके बाद हम जियो टू एयरटेल करके हम देख लेंगे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जियो टू जियो कॉल किया हूँ और यहाँ पे वीडियो कॉल का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे जगह में ये होता है, प्रॉब्लम होता है कि जैसे ही आप नेटवर्क स्विच कर देंगे दूसरे नेटवर्क से बात करेंगे, मान लीजिए कोई वोडाफोन से आपको फोन करे, आपका जियो नंबर है या फिर एयरटेल नंबर है, तो उस टाइम वीडियो कॉल का ऑप्शन नहीं होता है। तो इसलिए मैं दोनों तरह दिखा दूंगा। अभी आप देख सकते हैं मैं जियो टू जियो कॉल किया हूँ और वीडियो कॉल का ऑप्शन आ रहा है। अब हम ट्राई करते हैं एयरटेल टू यहाँ पे जियो में कॉल करके, देखते हैं यहाँ पे वीडियो कॉल का ऑप्शन दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी जैसे ही मैं यहाँ पे स्विच कर दिया, यहाँ से जियो टू एयरटेल पे कॉल किया, अब देख सकते हैं यहाँ पे आपको वीडियो कॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इस तरह होता है, वो बहुत सारे व्यूअर्स पूछते रहते हैं कि नेटिव वीडियो कॉल में मेरा वीडियो कॉल का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। तो ऐसा होता है जो सेम टू रियलमी का फ़ोन भी होगा दोनों की तरफ भी, तभी भी ऐसा होता है। अगर मान लीजिए दूसरे भी फ़ोन है तभी भी ऐसा होता है, सेम नेटवर्क होता है तो यहाँ पे नेटिव वीडियो कॉल का ऑप्शन दिखा देता है। अगर सेम नेटवर्क नहीं होगा, एयरटेल से जियो या फिर एयरटेल से वोडाफोन, जियो टू वोडाफोन जो भी आप करेंगे, तो ये वाला ऑप्शन आपको वीडियो कॉल का नहीं मिलता है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और आई होप आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे डुअल 4G का सपोर्ट है कि नहीं, यहाँ पे वीओ वाईफाई का सपोर्ट है कि नहीं, और नेटवर्क किस तरह काम करता है जो नेटिव वीडियो कॉल का सपोर्ट है कि नहीं और किस तरह काम करता है, ये सब आपको पता चल गया होगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, और इस वीडियो के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए इस फोन के बारे में तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना। और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे थे टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल, मैं बताऊँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।